जाएगा। तो चलिए आज हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं ईसाई धर्म, पारसी धर्म और क्या था, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, मगध राज्य का उत्कर्ष और सिकंदर और कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए एक एक करके सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ईसाई धर्म से। टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं लूसेंट से ही, केवल लूसेंट से हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक हम कॉन्फिडेंस देख रहे हैं तुम लोग का यार, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह होगा। ईसा मसीह का तू ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ना हुई ईटा हमरा के कंफ्यूज करवा दियो ईसा मसीह। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। बाइबिल बिल्कुल ठीक। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह जेरूशलेम। ठीक है, बैथलेहम। जेरूशलेम के निकट बैथलेहम में। ठीक, ईसा मसीह का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? क्रिसमस। ईसाईत में ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, क्रिसमस डे। कब मनाया जाता है क्रिसमस डे? 25 दिसंबर। ठीक है, ईसा मसीह के माता का क्या नाम था? मेरी। मेरी। पिता का नाम? जोसेफ। जोसेफ, मेरी जोसेफ। नेक्स्ट, ईसा मसीह ने अपने जीवन के प्रारंभिक 30 साल किस रूप में काम किया था, यानी उनका उन्होंने किस व्यवसाय को चुना था जीवन के प्रथम 30 साल? बढ़ई। बढ़ई के रूप में उन्होंने काम किया था, यानी कारपेंटर। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? 33 ईसा पूर्व में। ठीक, अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह? क्रॉस। ठीक, तो ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस। चलिए पारसी धर्म से प्रश्न है, पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुस्त्र। ठीक, तो पारसी धर्म के पैगंबर थे जरथुस्त्र। चलिए ना, थुस्त्र लिखा है, थ में हर सौ आधा सौ, ट में र की मात्रा है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है कौन? जैनावस्था। ठीक है, जैनावस्था। ठीक, जैनावस्था पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म के अनुयायी किस ईश्वर को मानते हैं? अरे अग्नि। अग्नि को नहीं मानते हैं। किस ईश्वर को मानते हैं पारसी धर्म के अनुयायी? किस ईश्वर को मानते हैं? अहूर। बिल्कुल सही जवाब, पारसी धर्म के अनुयायी जो हैं वो अहूर ईश्वर को मानते हैं। अगला प्रश्न बताइए, किस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है? पारसी धर्म। ठीक, तो पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहते हैं? अग्नि पूजक भी कहते हैं। चलिए आगे आइए मगध से, पारसी धर्म का टॉपिक बहुत छोटा था। बोलिएगा, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। हालांकि इसका जो इसका मतलब साक्ष्य, कोई इसका निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक, जो मतलब धार्मिक ग्रंथ है उसमें इसका चर्चा है। हाँ, बृहद बौद्ध धर्म के अनुसार, बिल्कुल सही। बृहद्रथ की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जिसको उस समय गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था। जरासंघ किसका पुत्र था? बृहद्रथ का। हाँ ठीक है, जरासंघ बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक? बिम्बिसार। बिल्कुल सही, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। अगला बताइए, बिम्बिसार मगध की राजगद्दी पर बैठा कब? 544 ईसा पूर्व, यानी कि 544 BC। ठीक, बिम्बिसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन। बौद्ध धर्म का। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसके बाद वाले जो थे वो जैन के अनुयायी थे। बिम्बिसार ने किसे हरा कर अंग राज्य को मगध में मिलाया? ब्रह्मदत्त। ठीक है, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा कर अंग राज्य को क्या किया? मगध में मिला लिया।
बिंबिसार ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष। ठीक, हाँ सबसे ज्यादा इसने 52 वर्ष तक शासन किया। किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था? बिंबिसार ने ही भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय मगध के किस राजा ने जीवक को उनकी सेवा में भेजा था? बिंबिसार। इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब अवंती गणराज्य के जो राजा थे जिनका नाम था प्रद्योत, जब उनको पांडु रोग हुआ था, एक लाइलाज बीमारी हुआ था, और उस बीमारी के उपचार के लिए उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था और उन्होंने उनको ठीक कर दिया, और इस मतलब इससे प्रभावित होकर या इससे खुश होकर उन्होंने अवंती को मिला लिया अवध में, सॉरी और मगध में। ठीक, जीवक अमरपाली का पुत्र था ये, नहीं हम बता सकते, हो सकता है बीपीएससी का फिर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला बीपीएससी। चलिए अगला प्रश्न, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाया था। ठीक, अब आप बताना है आपको कि महाकोसला किसकी बहन थी? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत कहाँ का राजा था? प्रसेनजीत कोसल का राजा था। ठीक, चिल्लना किसकी पुत्री थी? चेटक की पुत्री थी, जो कि किस मतलब किस राज्य का राजा था? चेटक उड़ीसा। कहाँ से? बगल में पंजाब, 60 किलोमीटर, वैशाली। ठीक, तो चिल्लना किसकी पुत्री थी? तो वैशाली नरेश चेटक की पुत्री थी, क्षेमा पंजाब की थी। हाँ, क्षेमा पंजाब की राजकुमारी थी। आगे आइए, सही तो हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बिंबिसार की हत्या किसने की थी? उदयन बेटा। गलत, बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु कौन था? उसका बेटा था। ठीक, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा? 541। आपको ऑप्शन दे दूं? ना रुको रुको, 544 तो 461। बहुत ज्यादा ना हो जाएगी? ना 593। 493। ठीक, अजात शत्रु मगध की गद्दी पर 493 BC में बैठा। ठीक, अगला प्रश्न, मगध के किस राजा को कनिक कहा जाता है? कुनिक। अजात शत्रु को थोड़ा गलत लिखा गया है। ठीक, तो मगध के किस राजा को कुनिक कहा जाता है? अजात शत्रु किसका पुत्र था? बाप किसका था? उदयन का। ठीक, ठीक, इसने अपने बाप को रेला, अपने बेटे के द्वारा रेला गया। चलिए आगे बताइए, अजात शत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। आगे बताइए, अजात शत्रु ने मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया? 42। एक मिनट, वो कहले रहे 52। बत्तीस साल। अजात शत्रु ने मगध पर 32 साल तक शासन किया। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? अजात शत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। अजात शत्रु ने किस मंत्री की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त की? वर्षकार। ठीक, वर्षकार इसका एक बहुत ही योग्य मंत्री था, जिसकी सहायता से इसने वैशाली को मतलब वैशाली पर विजय प्राप्त किया अजात शत्रु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु की हत्या किसने की? उदयन। ठीक, उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 में बिंबिसार, 493 में अजात शत्रु, और 461 में उदयन। ठीक, उदयन ने किस नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया? पाटलिग्राम कहिए या पाटलिपुत्र कहिए। ठीक, अगला प्रश्न बताइए, उदयन किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नाग दशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। ठीक, अगला प्रश्न बताइए, नाग दशक किसका पुत्र था? उदयन का। ठीक, यानी कि अगर वंश इन लोगों का देख लें तो पहला बिंबिसार, दूसरा अजात शत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। ठीक, और नागदशक के बाद क्या हुआ? हर्यक वंश खत्म हो गया।
ठीक है, अब इसके आगे हम इसको लिंक करते हैं। बताइए 412 बीसी में यानी कि ईसा पूर्व में किसने नाग दशक को अपदस्त किया, अपदस्त यानी पद से हटा दिया, शिशुनाग, और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिशुनाग ने, शिशुनाग ने नाग दशक को अपदस्त किया और शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। कौन था उसका, उसका एक मतलब मंत्रियों में से था, एक मंत्री था, सेनापति था शायद, कि मंत्री था सही, मतलब उसी का अधीन था। अदास्त की तो ऐसा ही कुछ लिया, अदास्त ना उसका मंत्री था, मंत्री होगा या सेनापति होगा, सेनापति था शायद। कोई कोई कहता है ना कि आया उसका जो है थी नागदशकन, उसका हत्या किया गया है, हत्या करके लेकिन ना, लेकिन लूसेंट में दिया है कि उसको अपदस्त किया गया, यानी उसको जैसे कि जबरदस्ती हो ना, कि उससे ताकतवर उस महसूस हुआ तो बोला कि जी हम रहेंगे, फलियाना है तो फलिया लो ना, चुपचाप हटो यहाँ से, साइड हो जाओ। उसका अथी अगर थी हम पढ़े हैं तो हत्या किया गया है, हत्या में कन्फर्म नहीं है कौन किया, ना शिशुना किया है कि शिशुना के पिता किया है, ये दोनों में से कोई हत्या किया है, शिशुना का पिता करेगा। तो हो सकता है कि अपदस्त करने के बाद हत्या कोई कर दिया हो, लेकिन हट मतलब अपदस्त, या फिर हो सकता है अलग अलग किताबों का अलग अलग मत हो। चलिए तो आगे हम देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अगला, शिशुनाग ने अपनी राजधानी, इसके पहले राजधानी पाटलिपुत्र थी, उदय ने पाटलिपुत्र बनाया था, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थानांतरित की, फिर वैशाली, ठीक। तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी वैशाली को स्थानांतरित किया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ, कालाशोक, कालाशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा हुआ था, कब हुआ था, अरे 255 में तीसरा हुआ था, पहले का ये 100 साल पीछे यानी 483 में पहला, दूसरा 383, ठीक। तो कालाशोक के समय, उस समय उसका अध्यक्ष कौन था, कालाशोक का अध्यक्ष दूसरा बौद्ध संगति, कालाशोक का अध्यक्ष मोगलीपुत्र था, मोगलीपुत्र, ठीक, मोगलीपुत्र था, ठीक। तो चलिए अब काला यानी कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, ठीक। अब बताइए फिर से एक बार, कालाशोक ने फिर अपनी राजधानी वैशाली से कहाँ स्थानांतरित की, पाटलिपुत्र, यानी कि इस तरह से खेला चलता रहा, पाटलिपुत्र से वैशाली गया, वैशाली से फिर पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र फिर वैशाली, पाटलिपुत्र ही रह गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, शिशुनाग वंश का अंतिम नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, ठीक। आगे बताइए, नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद, नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। किसने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि अभी चंद्रगुप्त मौर्य सबके बारे में और आगे हम लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसका वृत्तांत था। चलिए सिकंदर से कुछ क्वेश्चन बताइए, सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व। इसके पिता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम, इसके गुरु अरस्तु, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर विजय अभियान कब शुरू की, 326 ईसा पूर्व, बिल्कुल सही। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति था। चलिए बाजे दीदी खत्म हो रहा है भाई, ऐसे कुछ बताने वाला जल्दी जल्दी बता रहे हैं। चलिए हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर ने किसके साथ लड़ा था, पोरस के पेरू राजा से, पोरस से पोरस से था, पंजाब का था, पोरस का राजा था, ठीक। और पोरस युद्ध में बताइए हारा था कि जीता था, पोरस युद्ध में ना वो मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, हार गया था, हारा नहीं था खाली आत्मसमर्पण, तो वही ना पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था, तो मतलब हाँ। हारा ही ना था तो, और हारने के बाद इसके मतलब वीरता से सिकंदर खुश हुआ और अपना सार बना लिया इसको, यानी इसकी बहन जो थी, मतलब सार बनाने का मतलब हुआ कि इसकी बहन, सॉरी इसकी जो पत्नी थी सिकंदर की, उसने इसको अपना भाई बना लिया, हाँ। भाई मान लिया। चलिए हाइडेस्पीज का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, झेलम या वितिस्ता, ठीक है, झेलम वर्तमान नाम झेलम और उस समय का नाम वितिस्ता। सिकंदर की सेना ने किस नदी के तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, ब्यास, झेलम कहाँ से, ब्यास, झेलम पार हो गया था ना, ब्यास नदी, ब्यास नदी पर आकर सिकंदर की सेना ने नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसके क्या कारण थे, अंधविश्वास, ऐसा माना जाता है कि चाणक्य ने अंधविश्वास फैला दिया था कि जो इस नदी को पार करेगा मर जाएगा।
आगे देखते हैं हम सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 325 323 BC कहाँ हुई थी? बेबीलोन। झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में है। ठीक, झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बताइए कि कितने वर्ष की अवस्था में इसकी, 33 वाह क्या बात है, 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में 323 बीसी में। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? नियारकस। ठीक, नियारकस जब वापस लौट रहे तो नियारकस चल गया था, सेल्यूकस निकट रह गया था, रहने का नतीजा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अपना दामाद बना लिया। इसको शक था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए नहीं गया था। आगे बताइए हम सिकंदर के घोड़ा का क्या नाम था? बाउके फलाल या बुके फलाल। ठीक, और इसकी समाधि कहाँ है वर्तमान में? ईरान। ना यहीं पे है, वहीं बेबीलोन में ही जहाँ इसका समाधि है वहीं पे इसी का, दो मतलब सिकंदर और उसके घोड़ा दोनों का समाधि एक ही जगह है। चलिए अब हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक मिसलिनियस सब मिला जुला के चलेंगे, क्योंकि जो टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब करंट अफेयर्स में कुछ क्वेश्चन को बताइए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 वर्तमान में चल रहा है, चल रहा है ना, कैसे शुरू हुआ है? परसों 22 13 तारीख से शुरू हुआ है। ठीक, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत अपना पहला मैच किस देश के साथ खेला? जर्मनी। ऑस्ट्रेलिया। गलत जवाब। स्पेन के साथ खेला। स्पेन। हाँ। भारत अपना पहला मैच स्पेन के साथ खेला और स्पेन से जीता कि हारा, हालांकि इतना पूछेगा नहीं, लेकिन जीत गया 2-0 से जीत गया। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? शरणार्थी दिवस ऑप्शन दे। 12 जून 20 जून, दो ही ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए लोग। 12 जून या 20 जून। तो 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को कौन सा अक्षांश अलग करता है? 36 डिग्री। ऑप्शन दे। 31 डिग्री और 38 डिग्री। 38 डिग्री अक्षांश जो है उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। 36 बोला है। 36 तो हाँ, थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कि मतलब कन्फ्यूजन, हम ऑप्शन दे देंगे। 49 डिग्री अमेरिका और शायद कनाडा को अलग करता है। अमेरिका भारत पाकिस्तान। 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पता ना, मतलब डिग्री में पूछ सकते हैं। आगे बताइए बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? क्वेश्चन पहले भी पूछे हैं। बिम्स्टेक भारत। इंडोनेशिया। श्रीलंका। श्रीलंका। बिम्स्टेक 2022 की अध्यक्षता श्रीलंका ने की है। इसका दूसरा संस्करण है। बिम्स्टेक आज के बना लगे, दूसरा संस्करण होगा। अच्छा, इसके बाद वाला सही भारत करेगा। भारत ठीक है, करने वाला है ही G20 का कर रहा है 2023 में। G20 का करेगा। क्वाड 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में होगा? ऑस्ट्रेलिया। कोई बात नहीं, स्वीडन। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। विक्टोरिया में। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका। क्वाड की तरह एक संगठन है I2U2। उसमें कौन कौन से देश हैं? I2U2 में भारत, आई से इंडिया, दो गो यू इंडोनेशिया, UK, इंडिया, एगो इंडिया है, एगो शायद इजराइल है, एगो UAE है, एगो अमेरिका है। एगो आई पर हमको थोड़ा कंफ्यूज है, इजराइल होना चाहिए, इंडिया, इजराइल, UAE, USA। एगो आई हो सकता है गड़बड़ा जाए, ठीक ना, तो बाकी सब सही है। ठीक, तो इसी क्वाड की तरह ये भी है। अब जैसे मान लीजिए कि क्वाड में ठीक को शामिल, क्या बोलते हैं हम, दिमाग से काल कोने वाला, चलो ठीक है, दिमाग में आया था निकल गया। तो चलिए क्वाड 2023 की अध्यक्षता विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर क्वाड वही 2022 की बात करें तो कहाँ हुआ था? भारत में, टोक्यो में हुआ था। क्वाड 2022 की अध्यक्षता टोक्यो ने किया था, यानी कि जापान ने किया था। विशु महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है?
ऑप्शन दे दें। विशु महोत्सव। हाँ, केरल और तमिलनाडु बताइए लोग। विशु तो तमिलनाडु केरल। विशु महोत्सव को केरल राज्य में मनाया जाता है। कुमार गौरव सर नहीं बताए बताए विशु महोत्सव। हाँ, हो सकता है। अच्छा चलिए, ये दोनों क्वेश्चन पहले हो चुका है, पूछे हैं, फिर से पूछ रहे हैं। बताइए भारत का रक्षा सचिव। रक्षा सचिव क्वात्रा, विजय मोहन क्वात्रा। विदेश सचिव रक्षा अजय कुमार रक्षा सचिव। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। अगला सम्राट अशोक फिल्म जो भी चर्चे में रहा था, अक्षय कुमार उसमें हीरो थे। अक्षय कुमार के बारे कोई था, कौन था वो रणवीर सिंह था शायद, पता नहीं अक्षय कुमार था। हाँ सम्राट। हाँ अशोक सम्राट। तो उसमें उसका डायरेक्टर कौन है? विवेक अग्निहोत्री। ऑप्शन दे दे इसमें भी। हाँ प्रकाश झा। हाँ चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी। चलिए रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता। रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। रणजी ट्रॉफी से और कुछ सवाल पूछें। रणजी ट्रॉफी था ना, ना कन्फर्म नहीं है रणजी ट्रॉफी था कि नहीं, इसलिए नहीं पूछेंगे। चलिए चलिए फर्स्ट, चलिए फिर बात पूछते हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सर्वाधिक निजी स्कोर किस बैट्समैन ने बनाया है हाल ही में, वनडे में, टेस्ट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और टेस्ट में? ब्रायन लारा, पूरा वर्ल्ड। भारत की बात कर रहे हैं हम। विराट कोहली। फर्स्ट क्लास में विजय हजारे दिलीप ट्रॉफी से बता है। अच्छा ये। हाँ तो इसमें है मयंक अग्रवाल। ना ना चेन्नई सुपर किंग्स से खेला है। रन कितना था एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, रन 400 प्लस था शायद रन, लेकिन याद नहीं है एग्जैक्ट। और दूसरा प्रश्न बताए लो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 7 छक्का मारने वाला ऋतुराज गायकवाड़। ठीक। और अभी एक और क्रिकेट से संबंधित, भारत ने हाल ही में किस देश पर सबसे बड़ी जीत हासिल की है? श्रीलंका से। कितना रन से? 317। चलिए ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं बताया होगा। हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए, वेदती वर्धा नदी परियोजना किस राज्य में है? वेदती वर्धा नदी परियोजना किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कर्नाटक। वेदती वर्धा नदी परियोजना कर्नाटक में है। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज दिवस कब मनाया जाता है? MSME दिवस। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन है आपके पास 23 जून और 27 जून। 23 जून। 27 जून को मनाया जाता है MSME दिवस। जी अगला क्वेश्चन बताइए, G7 का 48वां सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ, कहाँ हुआ था? भारत नई दिल्ली। G7 में भारत सदस्य नहीं है, कहाँ से नई दिल्ली अध्यक्षता करेगा? G7 किसने किया है? तब थी एकर हुई अमेरिका। तब यूएई। सबसे पहले चलिए बाद भार में जाए, पहले बताइए G7 का सदस्य कौन कौन सा देश है? G7 में गर्लफ्रेंड को जूस पसंद है ना, ना। एक में तो ईरान। कहाँ से? सब विकसित देश का है। चलिए मैं बताता हूँ, G7 जो है विकसित देशों का संगठन है। इसमें 7 देश हैं, कौन कौन? जर्मनी, फ्रांस, GF, ठीक, जूस, जे से जापान, यू से USA, आई से इटली, सी से कनाडा और ई से इंग्लैंड। ठीक, तो ये सभी विकसित देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, ये सभी G7 का सदस्य हैं। और इसमें से जर्मनी ने 2022 की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन भी एक दिन जिस दिन यहाँ पे हुआ था बाहर क्वेश्चन पूछे थे हम। चलिए समझ में आ गया, तो G7 का 48वां सम्मेलन जो कि 2022 में हुआ, उसकी अध्यक्षता जर्मनी ने की। G7 में टोटल 7 देश सदस्य हैं, 7 का नाम मैंने बता दिया। अगला प्रश्न बताइए, आखिरी प्रश्न, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? केरल में। केरल में इलायची की पहाड़ी? केरल में है, बिल्कुल सही जवाब है। तो आज इतने ही प्रश्न थे। हाँ कार्डमम। तो आज इतने ही प्रश्न थे, उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न भाया होगा। ठीक, तो चलिए आज यहीं पे हम सेशन को समाप्त करेंगे। कल का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कैमरा ऑफ कर दें हम।